हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एवी। वीडियो में बात करने वाले ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर की जो कि मार्केट में काफ़ी तबाही मचा रखी है। इस स्कूटर का नाम है लम्बराटे, जो कि नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस स्कूटर का डिजाइन हो गया, कलर हो गया, जो कि काफ़ी इस स्कूटर को स्टाइलिश बनाती है। जैसे कि दोस्तों, इस स्कूटर का रियर साइड हो गया, फ्रंट साइड हो गया, इस गाड़ी की हेडलाइट हो गई, इस गाड़ी का स्पीडोमीटर हो गया, जैसे कि सीट हो गया, जो कि इस स्कूटर को काफ़ी स्टाइलिश बनाता है, जो कि यह स्कूटर दिखने में काफ़ी स्टाइलिश लगता है। इस स्कूटर में काफ़ी ऐसे चीज़ें लगे हैं जो कि इस स्कूटर को शानदार बनाती है, जैसे कि हैंडल में लाइट जलना, हेडलाइट के बीच में LED लाइट जलना, साइड में फुटरेस्ट के पास लाइट जलना, और भी ऐसे चीज़ें हैं जो कि स्कूटर दिखने में शानदार लगती है। बात कर लेते हैं इस स्कूटर की बैटरी की रेंज स्पीड के बारे में। इस स्कूटर में तो दोस्तों काफ़ी अच्छी रेंज है और बैटरी भी अच्छी है। स्पीड की बात करें तो काफ़ी अच्छी स्पीड भी इस स्कूटर में देखने को मिल जाती है। इस स्कूटर में 4 किलोवाट का मिड ड्राइव मोटर लगाया गया, जो कि बेल्ट के सहारे चलता है, जो कि काफ़ी अच्छा पावर प्रोड्यूस देखने को मिल जाता है। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है, जो कि काफ़ी सही है। स्कूटर की रियल रेंज की बात करें तो दोस्तों कंपनी ने निकाली है जो कि 125 किलोमीटर की रियल रेंज है, जो कि आने वाले फ्यूचर में इतनी रेंज ये दे सकती है। इस स्कूटर में जो बैटरी लगाई गई है 4.6 किलोवाट की लिथियम आयन है, जो कि काफ़ी अच्छी रेंज निकाल के आपको दे देती है। स्कूटर की सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। इस स्कूटर में फ्रंट साइड लिंक सस्पेंशन लगाई गई है, जो कि अभी के टाइम में बजाज चेतक में लगी हुई ये सस्पेंशन आ रही है, सेम इसी की तरह है। रियर साइड में मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी की ब्रेक सिस्टम की बात कर लेते हैं। इस गाड़ी में फ्रंट और रियर में दोनों डिस्क ब्रेक लगाई गया है। ब्रेक क्लच की बात करें तो दोस्तों इस गाड़ी में आम गाड़ियों की तरह क्लच नहीं दिया गया। इस गाड़ी में हैंडल में ही सिर्फ एक छोटा सा क्लच दिया गया, जिसको आप दाबते ही ये गाड़ी का ब्रेक लग जाएगा। अब इस गाड़ी के टायर की बात करें दोस्तों, फ्रंट और रियर में दोनों में ही 12 इंचेस के ट्यूबलेस टायर लगाए गए हैं। स्कूटर की चार्जर और चार्जिंग टाइम की बात कर लेते हैं तो इस स्कूटर में 750 वाट का पोर्टेबल चार्जर दिया गया है, जो कि इस चार्जर से इस गाड़ी को फुल चार्ज करने पर 6 घंटे का टाइम लगता है। दोस्तों इस गाड़ी में स्पेस की बात कर लेते हैं तो दोस्तों आपको डिक्की के नीचे ना के बराबर आपको स्पेस देखने को मिलेगा, क्योंकि उस डिक्की में 2 डबल बैटरी लगाया गया है, इसलिए आपको डिक्की के नीचे तो स्पेस नहीं देखने को मिलेगा, पर फुट रेस्ट के पास आपको काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि आप अच्छे से सामान रख सकते हैं। इस स्कूटर में डिजाइन के साथ काफ़ी अच्छी स्पीड, बैटरी पैक, रेंज देखने को आपको मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसकी लॉन्च डेट और प्राइस की। इस स्कूटर का सेम एक और मॉडल है दोस्तों, जो कि इटालियन मार्केट में अभी चल रहा है, जो कि ये गाड़ी दोस्तों लास्ट नवंबर 2023 तक इटालियन मार्केट में लॉन्च होने जा रही है, और भारत में भी आपको यह बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। कंपनी के तरफ से तो दोस्तों प्राइसिंग का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, फिर भी कंपनी का दावा है कि बहुत जल्दी इस गाड़ी की प्राइसिंग की अनाउंसमेंट भी करने वाली है। इस गाड़ी के कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल ज्ञान ईवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँचे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।